देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंदर वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के एक गांव बड़ौता से निकल कर आ रही है और जो खबर है वो दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि चाचा ने अपने एक साल के भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। जी बता दें कि एक बच्चे की जो है, एक साल का जो बच्चा था उसकी गला दबाकर चाचा ने हत्या कर दी। हत्या किस लिए की गई है वह भी चौंकाने वाली बात है। बता दें कि गोहाना के गांव बड़ौता की रहने वाली सपना ने पुलिस को शिकायत दी थी कि मेरा बच्चा शुक्रवार रात 10 बजे मैंने अपनी उसकी दादी के पास सोलाया था, जहां पर रात को 12 बजे के आसपास जब उसको देखा तो वहां पर बच्चा गायब मिलता है और उसके बाद जो है उसकी ढूंढने की कोशिश की गई आसपास में लेकिन नहीं मिलता है, तो उसके बाद जो है शिकायत जो है पुलिस को दी गई, जिसके बाद जो है पुलिस ने छानबीन की गई। छानबीन में जो है जो पुलिस कंप्लेन दी गई थी सपना के द्वारा, उसमें भी उसके जो चाचा है बेटे बच्चे का पवन, उसका बाई नेम जो है नाम दिया हुआ था, उस पर शक था। उसके बाद जो है पुलिस ने आरोपी को जो है ढूंढा, ढूंढ कर उससे जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि उसने ही, पवन ने ही छोटू जो एक साल का बेटा था छोटू, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को बड़ौता में कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, कॉलेज के पास खेतों में, धान के खेतों में जो है उसको शव को डाल दिया गया। उसके बाद जो है पुलिस ने उसको पवन को ले जाकर खेतों में पहुंचे, खेतों में जो शव था छोटू का उसको बरामद किया गया और उसको अब पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अब जो है जो आरोपी है पवन, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। जी तस्वीरें देख सकती है, गोहाना के गांव बड़ौता की तस्वीर है जहां पर मातम पसरा हुआ है। एक साल के बच्चे ने उस किसका क्या बिगाड़ा होगा, वह उसकी जो हत्या उसके चाचा ने कर दी गई। और हत्या किस लिए की गई वो आपको बता दें, सपना की शादी जो है विक्की के साथ हुई थी, 6 महीने पहले शादी हुई थी और पिछले 2 महीने पहले आप तस्वीरें देखते हैं यही आरोपी है पवन जिसने उस बच्चे की हत्या की गई है। और बता दें सपना की शादी जो है विक्की से हुई थी 6 महीने पहले और 2 महीने पहले ही जी पवन और सपना का अफेयर हो जाता है और जो बच्चा है जब प्यार के वो करते थे तो वो रोता था, उसी को रंजिश रखते हुए कि ये रात को रोता है तो उसी को रंजिश रखते हुए पवन ने उस छोटू की हत्या कर दी गई। अब जो है जो पवन है वो पुलिस की गिरफ्त में है और आप तस्वीरें भी देखते हैं और आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुँचे। विक्की नाम है जी। कैसे क्या हुआ था? 12 बजे मेरी घराली उठी जी, बच्चे से पानी पियाया, दूध पियाया, फिर 1 बजे मेरी घराली ने मृत्यु को बोली सुना अकड़े आइए एक गिलास पानी ले आइए, आड़े बिस्तर मटका दे रहा था जी, दादी के पास सुन लग रही थी, वो लड़की के पास कल रहा था लड़का, मैं बोलिया मैं कहा सुना मैं भाई किथे है, बोली मैंने 12 बजे पानी पियाया, 1 बजे मैंने देखा मेरा लड़का पाया नहीं जी, ये आना बच्चा था, मैंने सोचा मैं खाट से नीचे गिर गया होगा, घर के ठाए जी मैंने सारे आड़े घर में सारे टोक मारी जी, मेरा बच्चा नहीं पाया जी, फिर मैं सवेरे थाने में गया जी। रात की बात है? हाँ जी रात की बात, सारी रात आंडे जी मैं, मेरा लड़का नहीं पाया जी, मैं मेरे लोग आई बहुत सारी रात ही बोल रहा हूँ तुम्हारे को बात तो फिर हम लोग ने मेरा जी किस टाइम मेरा लड़के ले गया तो कित पाया पता नहीं, मैं सारे बड़े जाने से क्या पाया कहाँ नहीं पाया तो पता क्या लगे कहाँ पाया वो प्लस वो कैमरे मारे हैं जी कैमरे मारे ये टेटुआ पकड़ गया चोरे का मेरे यार कौन है किसने कराया ये मेरा भाई है जी शराब पी के जो काम किया जी इसने ये कारण कोई रंजिश थी बना कोई रंजिश नहीं थी जी मैं उसको अपने नंबरा फिर बार कड़ाई ले पूछ लगा था बेड बकरी चलानी है मुझे तरकी लकड़ लकड़ जाओ जी साल दिखा के पड़े हूँ मतलब ये जोड़ी में करा गला रख के दे पाल जी मैं इन लोगों का पेट में भरूंगा छोटे बच्चे का क्या कसूर था पता नहीं ये बोला पानी पी रहा था
जो कसूर होता तो मेरी गल लड़ लेता वरना मार देता वो मेरा बाल अकेले रहता जी क्या नाम आपका सतीश कुमार जी कैसे क्या हुआ ये किसने क्या किया ये तो जी रात का जो काम होया हुआ है 1:30 बजे बताओ हम पड़ोसी भाई हैं और सुबह हमने पता चला जब हम यहाँ आए तो बच्चा उठा लिया फिर थोड़ी देर 1:30 बजे के बाद दोपहर ने पता चला कि इन्होंने मार के फेंक दिया किसने मार दिया ये विक्की के भाई जो पोंडी पवन उन्होंने ये काम किया है डेड बॉडी कॉलेज के पास खेत है किसी और का जाट का जमींदार का उसके खेत में डेड बॉडी मिली हाँ पुलिस में रिपोर्ट हुई पहले पुलिस आई जो भी तो ये काम हुआ ठीक है एक्शन पूरा लिया है पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी तो कोई रंजिश थी नहीं नहीं आप इसी में आप इसका परिवार है इसका भाई है विक्की का कोई रंजिश नहीं इसमें तो के कारण पता लगा बता रहे हैं कि बच्चा रोता था उससे परेशान रहते थे तो छोटा बच्चा तो रो ही भीगा सारे काम होंगे थोड़ी इसको मार ही दी गलत किया है इन्होंने हाँ साथ में रहते हैं परिवार सगा भाई है जी इसका विक्की का उसका चाचा था मरने वाले का बच्चे का कल रोड़ता में के बच्चे का लापता होने का मामला आता है उसको सबूत मिल गया था क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है क्या कंप्लेंट दी गई एक कल जो इस लड़के की मम्मी थी सपना सपना वाइफ ऑफ विक्की वासी बड़ोत्ता इन्हें थाने में आके कंप्लेंट दी थी कि मेरा लड़का लापता है जो मेरे को मेरे जो देवर हैं पवन उन पे शक है तो हमने गांव में फिर जो पवन के बारे छानबीन की उसका पता किया कहाँ पे है तो गांव में मिला हमको पवन पवन से फिर पूछताछ हुई उसको उसने फिर बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इसको गड़ा दौड़ के मार दिया है और कई धान के खेतों में घेर दिया है जो उसने फिर मौका पर ले जाके जो नास जहाँ पड़ी हुई थी वहाँ बताया एरिया कहाँ है और फिर उसको हमने अरेस्ट कर लिया है तो क्या कारण बताया क्यों मारा ये कारण यही बताया कि उसने जो ये सपना थी ना तो उसका उससे प्यार था जो देवर है पवन आरोपी है जो इसमें और उसमें बीच में मतलब कोई रोता था वो लड़का था जो छोटू नाम था लड़के का छोटू कहते थे इसको घर पे नाम भी उन्होंने ऐसे ही रखा छोटू ही रख रखा है इसका तो रोता था तो इस कारण से वैसे इसी की रंजिश से रखे हुआ था कि रोता क्यों है बीच में हाँ यही अभी तक यही आया है हाँ अरेस्ट कर लिया इसको कल ही पोस्टमार्टम होगा क्योंकि शाम को मिली थी समय गैर हो चुका था तो पोस्टमार्टम उसमें होने चाहिए खतरा हाँ जी ठीक है